भाई साहब थोड़ा सर झुकाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता। चल चल, तू ठीक से खींच, चल। कोशिश करता हूँ। सब मुस्कुराइए, स्माइल, सब मुस्कुराइए। तरुण यार क्या सोच रहा है, बड़ा चुप है? हाँ, सोच रहा हूँ शादी कर लूं। लो, अरे अबे अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? क्यों? तुझे कैसे मिल गई? रेलवे लाइन के पीछे उसके बाप ने देख लिया, मूंछ वाला आ गया, घर पे कहा 10 मिनट में शादी करो नहीं तो टां क्या काट देंगे। अरे इनको तो 10 तोली। डर के मारे अंकल ने 10 मिनट में पंडित को बुलाया, दोनों की शादी। कुछ बीवी मारती है कि नहीं मारती है? कभी 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 हो गया। ए, मेरे जाने के बाद में तुम लोगों ने बहुत गुल खिलाया। इसने तरुण, इसने तरुण। अबे इसकी तो सुन, अब नहीं बताना। बता इसकी, मैं बताता हूँ। अबे इसकी सुहागरात में पता क्या हुआ? दारू पी, दारू पी, चल बता। इसकी सुहागरात में ना, बोलना क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और सुहागरात की अगली रात को पता क्या हुआ? सुहागरात की अगली रात को भी कुछ भी नहीं हुआ। तुझे ना शादी कर लेनी चाहिए। अबे यार तो अपने गांव का इकलौता फौजी हीरो है, शादी कर ले। कोई भी बाप बड़ी आसानी से अपनी बेटी और आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देगा। इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए, हम शादी के लिए तैयार हैं। चलो लच्छी के बाप से बात करने चलते हैं। चलो, ये लच्छी कौन है? अबे शहर से आई है, अंग्रेजी मीडियम की पढ़ी हुई, बहुत ही स्टाइल वाली लड़की। अरे वही राम नारायण की लड़की, दवाई वाले की लड़की। तुरंत तू झेल ही नहीं पाएगा उसको, सुबह से शाम तक देश बैट 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 बैट। तो क्या हुआ, मुझे भी अंग्रेजी आती है। कहाँ से आती है, शिक्षा तो हमारे साथ ली ना। अरे ट्रेनिंग में बड़े अफसरों के साथ मैं अंग्रेजी में बात करता था। अबे जाजा मैं नहीं मानता। अरे क्या नहीं मानता? अबे आती है तो बोल के बता। बताओ 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 बताओ। सा एज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द रेजिमेंट, प्लीज टू ऑफर द कोट ऑफ आर्म्स। सा थैंक यू लेफ्टिनेंट। मैडम व्हाट डू यू हैव? दिस इज रेड वाइन, दिस इज व्हाइट वाइन, दिस इज हार्ड ड्रिंक, दिस इज सॉफ्ट ड्रिंक। और ले सा, कैन बी अ लार्ज ब्रांडी विद सोडा? Yes, sir. क्यों इतना शोर मचा हुआ है? बाबू क्या बोल दे, बोल दे, बोल देते हैं, बोल ही देते हैं, बोल दे। चल 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 चल। बाबूजी तरुण ने शादी करनी है। तो वो लच्छी से शादी करेगा, ये तय हो गया है ना? हाँ लच्छी, बात सुन बात सुन। हम मम्मी बुला रही हैं। लच्छी वो दवाइयों वाले राम नारायण की बेटी? जी बाबूजी। किसने तय किया? वो तरुण। किस आधार पे? बाबूजी वो गांव की सबसे सुंदर और स्टाइल वाली लड़की है, इस आधार पे। वो अकड़ू राम नारायण फूटी कौड़ी नहीं देगा दहेज में। जी। ना नया घर, ना बजाज का स्कूटर, ना टीवी, ना फ्रिज, ऊपर का खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। पूछो अपने दोस्त से, मंजूर है ऐसे? जा पूछ। तय कर लिया है। पापा जी पूछ रहे हैं मंजूर है। बोल दे मेरे बापू से कि हम प्यार के खातिर सब कुछ झेलने को तैयार हैं। प्यार? अबे पहले लड़की को तो देख ले। हाँ लीजिए ना, लीजिए, हमारी बेटी ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। तो ये है वो सिपाही जिसे टैंगो चाली कहते हैं। नसीब वाली हो लच्छी, लड़का बड़ा ही हैंडसम है। चल देखने दे मुझे।
चलो देखते हैं जोड़ी कैसे नहीं बनती। हेलो हेलो हाउ डू यू डू आई आल्सो हाउ डू यू डू आई एम फाइन थैंक यू। बोल बेटा बोल। थैंक यू थैंक यू। इनकी बातें तो हो गई। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद है, अब हम अपनी बातें भी कर लें। बातों में क्या करना है, मैं पुजारी को बुला लेता हूँ, सगाई की तारीख तय कर लेते हैं, और हाँ शादी का पूरा खर्चा मेरा है ना। वो तो ठीक है, पर थोड़ा लेन देन तो होता ही है। देखिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, 5,000 रुपए की तनख्वाह है उसकी, इससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ। मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, पीए डीए एचआरए मिलाकर महीने का 10,000 रुपया लाता है माशा। हाँ जी, मैंने सुना है कि तुम्हें बहादुरी का कोई मेडल मिलने वाला है। हाँ शायद। अब इन दोनों को देखिए, दोनों पढ़े लिखे हैं, पैसे कमाते हैं, दहेज का तो मतलब ही नहीं खड़ा होता है इनके बीच। हाँ ठीक है, हम भी कुछ वैसे बुरे नहीं है। सुना ये माशा क्या कह रहे हैं, दहेज वहेज कुछ नहीं चलेगा ना तेरे को, प्यार की खातिर जेल। अब चाचा जी आप तो समझदार लगते हैं, है ना। हाँ दहेज ना सही, अपनी बेटी की पसंद की कुछ चीजें तो देंगे ना, है ना। हाँ वो ऐसा है कि दहेज देना इनके उसूलों के खिलाफ है। जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तब भी इन्होंने भाभी के घर वालों से कुछ नहीं लिया था, है ना पापा। पर दहेज देने में कौन सी खराबी है, सिर्फ लड़की वाले ही क्यों दे। अगर कोई खराबी नहीं तो फिर लड़के वालों को भी देना चाहिए, क्यों दोगे तुम दहेज लड़की से शादी करने के लिए, नहीं ना। लड़का लड़की एक जैसे कहाँ होते हैं, लड़के तो इतने ज्यादा वो होते हैं। वो होते हैं क्या, वो होते हैं। क्या तुम हर वो चीज जानते हो जो मैं जानती हूँ। बिल्कुल, तुम क्या जानती हो। क्या तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हो। वो कौन है। देखा ये गलत है भाई, तुम्हें वही पूछना चाहिए जो इसे आता है। अच्छा तुम्हें क्या आता है। मुझे गोली चलाना आता है। वो तो मुझे भी आता है। क्या शर्त लगाओगे, गोलियों से टारगेट प्रैक्टिस करेंगे, अगर मैं जीत गई तो तुम दहेज का नाम नहीं लोगे, और अगर मैं हार गई तो हार गई, मंजूर। मंजूर। लेकिन हथियार कहाँ है। मेरी सहेली के घर पे, उसके पास सब कुछ है। चलो चलो अरे बेटी, अरे अरे बेटा। लेकिन हमारी बातचीत का क्या होगा। कुछ नहीं चाचा जी, आजकल तो ऐसे ही चलता है बस, मैं बीच बीच में खबर करता रहूंगा। ये तुम्हारी बंदूक है, ये मेरी, हम दोनों दुश्मन हैं। तुम्हारा काम है मुझे मारना, मेरा काम है तुम्हें खत्म करना। पहले जॉयस्टिक पकड़ो, ये ऊपर ये नीचे ये दाएं ये बाएं, सब तैयार, ये बीच का बटन फायर। रेडी रेडी लेट्स गो, चलो चलो चलो, रेडी लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वो चला गया।
दिया उसको। और वो कंप्यूटर के नोट्स मुझे कौन सी वाली? तरुण का दोस्त। हाँ, जानती हूँ, उसी का दोस्त है। ए तरुण, वो आ गई। आ गई? हाँ, निकल जल्दी कर। नहीं यार, मुझे शर्म आ रही है। तो ठीक है, तेरी जगह मैं जाता हूँ, दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अबे ए टैंगो चाली, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा। प्यार की बातें जरा सोच के करना, मेरे पिताजी कुछ देने नहीं वाले। तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? कि तुम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, TA, DA, HRA मिला के और 10,000 रुपए कमाता हूँ। अरे पापा, बात ये नहीं कि तुम क्या हो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये सब मुझे नहीं पता। तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। बताती हूँ, बताती हूँ। नाक थोड़ी लंबी है, बुद्धि थोड़ी धीमी है। इधर आओ। कद थोड़ा लंबा है, मगर बॉडी बहुत बलवान है। बिल्कुल घर की बैल की तरह, सिर्फ नाक में हंसी की कमी है। पर नेक आदमी है, दिल का बहुत अच्छा है। कभी किसी औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मजबूत पाए हैं, प्यारी प्यारी आंखें हैं, बच्चों जैसी मुस्कान है। और जो अपनी बीवी को घर की लक्ष्मी मानेगा? शादी की बातें इतनी जल्दी नहीं, पहले हम दोस्त बनेंगे, मस्ती करेंगे, धीरे धीरे दिल प्यार का इशारा देगा, उसका इंतजार करेंगे। दोस्ती, मस्ती, इशारा, इंतजार, ये सब तो मुझे हो चुका है। मगर मुझे नहीं हुआ ना। तो कब होगा? ठहरो ठहरो, मैं अपने दिल से पूछती हूँ। क्या कहा? तरुण बुद्धू है। क्या कहा दिल? अच्छा, कह रहा है कि इस बुद्धू के साथ प्यार कैसे कर सकती हो? दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया, एक बार करके फिर दोबारा कर दिया। एक दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया, एक बार करके फिर दोबारा कर दिया। देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा, मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया। दीवानी लड़के ने इशारा कर दिया, एक बार करके फिर दोबारा कर दिया। देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा, मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया। देखा और एक नशा सा हमको हो गया। क्या हुआ, दीवानगी में दिल लगा रे ये खो गया। अरे बेकरारी बढ़ रही है, चैन एक पल नहीं। दिल मेरा भी कह रहा है डोल जा संभल नहीं। हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया, हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया।